जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है, मैं बता दूं कि सीआरपीएफ की लमसम 1,30,000 वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी करने के लिए जुट जाओ और खूब अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि जिनका इस बार SSC GD में सिलेक्शन नहीं हुआ था वो काफी मायूस हो गए थे कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उनके लिए खासकर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है, आप उस मौके को गवाएं नहीं और अभी से तैयारी करें, क्योंकि आपका इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो बस इस बार की टॉपिक को लेकर मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए मैं सीधा आपको वैकेंसी के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों लमसम 1,30,000 की वैकेंसी आ चुकी है, बस उसका डेट अभी नहीं आया है फॉर्म भरने की डेट, लेकिन वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों इसमें आपकी मैट्रिक लेवल पोस्ट है, मैट्रिक लेवल, तो इसमें आपका जो उम्र होगा इसमें 18 से 23 साल होगा। जो ओबीसी है उनके लिए 3 साल की छूट होगी, एससी एसटी के लिए 5 साल, और मैट्रिक लेवल ये पोस्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी है। गर्मी का दिन भी आ रहा है, काफी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें और अच्छे से मेहनत करें, तो आप लोग अपना मेहनत करें और रिटर्न की तैयारी करें, जिससे आप इस बार SSC GD हो जाए, आपका कंफर्म हो जाए। 1,30,000 पोस्ट कम नहीं होती है, बस आप लोग का मेहनत का जरूरत है, जितना आप लोग मेहनत करोगे सफलता आपको कदम चूमेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बार अच्छे से लगन से मेहनत करोगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो मुझे आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा आपकी सारी समस्या का समाधान करूं और जो भी आपकी डाउट हो उसको क्लियर करूं। तो दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं उससे रिलेटेड आपको अपडेट देता रहूंगा, बस आप वीडियो को देखते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।